हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आज ये हम आपको एक मोमबत्ती का जो पैटर्न बना रहे थे उसका आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। हमने इसमें कौन सा मटेरियल लगाया था और इसको कैसे बनाई थी। तो ये हमारे पास वाइट ऑयल पेंट है, एनामेल पेंट। आपको वाइट ऑयल पेंट ही लेना है, दूसरा कलर नहीं लेना है। आप वाइट ऑयल पेंट भी बनाइए और ऑयल पेंट ही लगाना, आपको प्लास्टिक पेंट नहीं लगाना है। और 1 लीटर ऑयल पेंट है, उसमें हमें 200 या 300 ग्राम तारपीन डालनी है, बस इससे ज़्यादा तारपीन भी नहीं डालनी है। और उसके बाद में आपको जैसे कि डबल कोट लगाना है छत में, एक कोट आप एक दिन लगा दीजिए और एक कोट आप आराम से रुक जाइए 10-12 घंटे। उसके बाद में ये प्रॉपर सूखने के बाद में आपको डबल हाथ लगाना है, और ये सूखने के बाद ही आपको डबल कोट लगाना है। और उसके बाद में आपको बर्थडे वाली जो मोमबत्ती आती है उसके 3-4 पैकेट ले आइए, और उसमें से 3 या 4 मोमबत्ती को एक साथ पकड़ें और उसके बाद डिज़ाइन बनाइए। और आपको मोमबत्ती को हल्के हाथ से घुमाना है, ऐसा ना है कि आप लंबा लंबा पैटर्न कर दो तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से डिज़ाइन बनानी है आपको, ज़्यादा घुमाना नहीं है आपको, और नॉर्मल हल्के हाथ से आप मोमबत्ती का पैटर्न वाली डिज़ाइन बनाइए। और ये ऑयल पेंट जो आप दूसरा कोट लगा रहे हो ना, वो गीला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूखने के बाद बनाते हो तो ये दवा है, ये तो उतरेगा फिर, क्योंकि आपको यानी कि एक कोट सूखाना है और दूसरे कोट में आपको गीले गीले में ही डिज़ाइन बनानी है, सूखना नहीं चाहिए वो कोट। अगर सूखता है तो फिर आपकी डिज़ाइन वापस आप हाथ लगाओगे तो निकलेगी, और ये गीले गीले ऑयल पेंट के अंदर निकलेगी, तो आप इसकी भी आराम से धुलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चाहे पानी लगाओ चाहे कुछ भी करो तो भी ये डिज़ाइन कहीं नहीं जाने वाली है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में इतनी शानदार लगेगी कि वास्तव में आप कहोगे कि देखने लायक काम बना है। और आपको इसी तरीके की वीडियो और डिज़ाइनिंग देखने के लिए ये मेरा पेज है, तो आप मेरे पेज को फॉलो कर ले, ताकि इसके ऊपर क्या होगा कि हम आपको पूरी रील दिखाएंगे, जैसे हम कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं और किस चीज़ से कौन सी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद ही आप अगर आपकी साइड पे काम कर रहे हो तो आप यूज़ करो, और आप भी ये चीज़ें अगर कोई पेंटर पर ही होगा तो वो आसानी से बना सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको नीचे ऑयल पेंट ही लगाना है, अगर आप प्लास्टिक पेंट लगा के डिज़ाइन बनाते हो तो फिर वो नहीं बनेगी। तो आप नीचे आराम से ऑयल पेंट लगाइए और उसके बाद में आप डिज़ाइन बनाइए। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो शेयर कर दे, ताकि मेरे और भी पेंटर भाई मेरे से जुड़ सके। प्लस अगर हमारा काम वो देख के अगर उनके एरिए में ये ऐसा काम होए तो किसी को रोजी रोजगार मिलेगा, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी पेंटर भाई ये चीज़ें देखें और अपनी साइड पे ये काम कर सके। क्योंकि वॉल पेंटिंग हुई, चाहे छतों की डिज़ाइन हुई, चाहे रिस्टिक पुट्टी वगैरह, जो भी हम पेंटिंग का काम है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह, उस सब की इसी पेज के ऊपर पूरी रील आने वाली है। क्योंकि आईडी के ऊपर हम जब वीडियो डालते हैं तो ओनली फॉर 30 या 40 या लास्ट 90 सेकेंड, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते हैं, और उस पर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है कि 30 सेकेंड में या 40 सेकेंड में हम खुद भी नहीं बता सकते कि हमने इसमें क्या लगाया था, क्योंकि उसमें मोटा मोटा आता है कि हम आपको पूरी वीडियो दिखा देते हैं, जो डिज़ाइन होती है उसकी वीडियो बनाई और आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उसमें इतना बताने में जितना तो टाइम ही नहीं मिल रहा, तो हम आपको पूरी रील नहीं दिखा सकते। तो आप ये मेरा पेज है, इसे फॉलो कर लें, ताकि आपको इसी पेज के ऊपर आपको पूरी वीडियो मिलेगी, 5-10 मिनट की, जैसा भी हमारा काम है वो आपको पूरा दिखाया जाएगा। और ये मोमबत्ती वाला पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया था, और हॉल में हमने नीचे पिंक कलर ले रखा है, पिंक ऑरेंज टाइप का कलर है, और ये जो पैटर्न था वो पूरा कंप्लीट है। तो आप अगर रियल में बनाओगे तो ये इतनी सुंदर लगेगी, क्योंकि मोबाइल में इतना क्लियर तो होता नहीं है, फिर भी हमने बड़ी साफ सफाई से फ़ोटो ली थी और उसी के बाद आपको दिखा रहे। तो ये
आप रियल देखोगे तो वास्तव में इसका विश्वास नहीं करोगे कि ये मोमबत्ती से बना रखी है या किस चीज़ से है। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको हमारा काम। और इसी तरह की वीडियो वगैरह हम इसी पेज के ऊपर अपलोड करेंगे, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लें। और शुक्रिया उन सभी भाइयों का जिन्होंने हमारी पूरी रील देखी है। अगर किसी भाई को समझ में आया हो तो ये काम कर सकता है कोई भी।